जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ेंगे बाहुबली धनंजय सिंह। ये बड़ी खबर है, बाहुबली धनंजय सिंह को मिला जेडीयू का साथ। जी हां, जेडीयू के टिकट पर जौनपुर के मलहनी से चुनाव लड़ेंगे धनंजय। ये बड़ी खबर है, साल 2002 में भी जेडीयू के टिकट पर लड़ चुके हैं चुनाव, एक बार फिर से जेडीयू के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। जौनपुर से एक बार सांसद और दो बार रह चुके हैं विधायक। सपा उम्मीदवार लकी यादव के खिलाफ ताल ठोकते हुए दिखाई देंगे। भाजपा ने केपी सिंह को दिया है टिकट और कांग्रेस से पुष्पा शुक्ला प्रत्याशी हैं। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी नीतीश पांडे जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। नीतीश, अब देखिए एक बार फिर से जेडीयू के टिकट पर ही ताल ठोकते हुए दिखाई देंगे धनंजय सिंह, क्या जानकारी है? निश्चित तौर पे जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, अब मलहनी के 2022 के महाभारत में माफिया की एंट्री हो चुकी है और अब मलहनी का खास तौर पे अगर बात करें तो मलहनी विधानसभा का जो चुनाव है वो खास तौर पे दिलचस्प हो गया है, दिलचस्प धनंजय के आने से हो गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जो चुनाव हुआ था उसमें धनंजय की एंट्री के साथ ही इस पूरे चुनाव को काफी दिलचस्प बना दिया गया था और इसके साथ ही सिर्फ बनाए नहीं बल्कि जनता का इसमें इंटरेस्ट देखने में आ रहा था। धनंजय दो नंबर पर थे लेकिन लकी यादव वहां से जीत हासिल कर लिए। अब एक बार फिर से धनंजय सिंह जो कि फरार चल रहे हैं उनकी एंट्री हो चुकी है और अब धनंजय सिंह यहां से चुनावी ताल ठोकेंगे। आपको बता दें कि धनंजय सिंह की जो छवि है जौनपुर जनपद, कहा जाता है कि अगर जौनपुर जनपद का नाम आता है तो धनंजय के नाम के बिना जौनपुर का नाम अधूरा रह जाता है और खास तौर पे जो मलहनी सीट है उसे लेकर धनंजय का आकर्षण खास तौर पे होता है। अब देखना ये होगा कि मलहनी की जनता जिस तरह से उपचुनाव में लकी यादव को उसने स्वीकार किया था, पारसनाथ यादव के लड़के हैं वो, उनको स्वीकार किया था, क्या इस बार धनंजय को चुनती है या फिर धनंजय फिर एक बार अलग चुनावी मोड में दिखाई देते हैं, ये सारी देखने वाली बात होगी। लेकिन फरार माफिया को जेडीयू से टिकट मिल चुका है। जी बिल्कुल, और नीतीश इस पूरे मामले पर सियासत होनी भी लाजमी है, लगातार कई तरह के सवाल भी धनंजय पर अभी हाल फिलहाल में उठे, जिस तरीके से उनके वीडियो वायरल हुए उसके बाद कई तरह के सवाल दागे गए और ऐसे में जेडीयू से उनको टिकट देना ये अपने आप में कई सवाल और पैदा कर देता है, इसको लेकर सियासत भी होगी, जाहिर सी बात है। नीतीश जी, चलिए नीतीश आवाज आ रही है आप तक? जी इस पूरे मामले पर सियासत गरमाना अब लाजमी है क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरीके से तमाम वीडियोस भी सोशल मीडिया पर दिखाई दिए धनंजय सिंह के, उसके बाद कई सवाल भी खड़े किए, अब उनको टिकट देना जेडीयू से एक बार फिर, इसको लेकर सियासत अब आने वाले दिनों में होगी। निश्चित तौर पे एक तरफ माफिया खत्म राज, माफिया राज नहीं, माफिया का खत्म होता राज, भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर ये बड़ा नारा दिया है। दूसरी ओर अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों से धनंजय सिंह के टिकट मिलने की खबरें आम हो रही थी और अब जबकि जेडीयू से धनंजय सिंह के टिकट मिलने की बात सामने है, ऐसे में चर्चाओं का बाजार गर्म है क्योंकि पिछले दिनों में जिस तरह से धनंजय सिंह का, ठीक है नीतीश, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, लगातार आप नजर बनाए रखिएगा, ऐसी तमाम खबरें चल रही हैं मलहनी से, कांग्रेस से लगातार दावेदार पुष्पा शुक्ला, इसके अलावा समाजवादी पार्टी से भी और उसी बीच में धनंजय सिंह को लेकर भी जानकारी है, जेडीयू से वो मैदान में उतरेंगे। और चलिए अब रुक करेंगे खबरें।